हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यंग्लिश लर्न इट योर सेल्फ सो दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट वीडियो ऑन द चैप्टर 4.2 पॉइंट टू टू सर विद लव फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश पिछले दो वीडियो में हमने टू सर्व विद लव के प्लॉट सेटिंग थीम और कैरेक्टर्स को डिटेल में पढ़ लिया है इस वीडियो में अब हम कवर करेंगे लैंग्वेज और लैंग्वेज को समझने के लिए इस चैप्टर को हम टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे So without further delay, let's start learning. The half-yearly report of the students' council was on November fifteenth and was one of the important days in the calendar of Greenslade School. I had heard quite a deal about these occasions and became as excited as the children as the day approached. It was entirely their day. Arranged, presented, and controlled by them. I observed the activities of my class as they prepared for it, noting with pride the business like way in which tasks were allocated and fitted into a neat program. There were whispered conferences with members of other classes in the arrangement of it. सो so राइटर बताते हैं कि उन्हें पता चला कि ये स्टूडेंट्स काउंसिल का हाफ ईयरली रिपोर्ट नवंबर 15 को है और ये ग्रीन स्लेट स्कूल की कैलेंडर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्रीन स्लेट स्कूल में बहुत ही महत्व रखता है इस दिन के बारे में उन्होंने बहुत ही कुछ सुन रखा था इसीलिए जैसे ही ये दिन नजदीक आ रहा था बच्चों के साथ साथ वो भी एक्साइटेड हो रहे थे ये दिन पूरा बच्चों का था इसे प्लान करने का अरेंज करने का प्रेजेंट और कंट्रोल करने का काम सारा कुछ ही बच्चे देख रहे थे वो अपने क्लास के बच्चों की एक्टिविटीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे और बहुत ही उन्हें गर्व होता ये देख के कि कैसे प्रोफेशनली बिजनेस लाइक तरीके से बच्चे आपस में छोटी छोटी टास्क को आ, कामों को एलोकेट कर रहे हैं टू तो प्रेजेंट अ नीट प्रोग्राम कई बार वो दूसरी क्लास के बच्चों के साथ भी कोऑर्डिनेट करते कॉन्फ्रेंसिस करते खुशफुस किया करते इन डिस्कसिंग द द अरेंजमेंट ऑफ प्रोग्राम ऑन दैट डे करतेर वॉज नो असेंबली द चिल्ड्रन अराइव स्मार्टली ड्रेस्ड एंड पॉलिश एंड मिस जोसेफ एंड डेनहिम हु टू बी द इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर द ओकेजन मूवड अबाउट अमंग देयर कलीग्स इंश्योरिंग दैट ईच वन वॉज रेडी टू प्ले हिज और हर पार्ट A bell was rung at ten a m, and everyone trooped into the auditorium to sit together in classes. Miss Joseph and Denham, the two most senior students, sat on the stage, one on each side of mr Florian, who, as soon as everyone was seated and silent, stood and addressed the school. He spoke, at length, reiterating the aims and policy of the school and of the important contribution each child could make to the furtherance of those aims. सो so, देखते ही देखते वो दिन भी आ गया उस दिन कोई असेंबली नहीं हुई और सारे बच्चे बहुत ही स्मार्टली ड्रेस होकर आए थे मिस जोसेफ और डेन हम जिन्हें देख के लगता था कि वो इस ओकेजन के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपने कलीफ कलीग्स के बीच में इधर उधर घूम रहे थे और इंश्योर कर रहे थे कि हर कोई अपना पार्ट प्ले करने के लिए रेडी है दस बजे बेल बजती है और सारी क्लासेस को ऑडिटोरियम में ले जाया जाता है मिस जोसेफ और डेनहम जो कि टू मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टर फ्लोरियन हेड मास्टर के साथ स्टेज पे अगल बगल में बैठते हैं और जैसे ही सारे बच्चे शांति से बैठ जाते हैं मिस्टर फ्लोरियन खड़े होते हैं और अपनी स्कूल को एड्रेस करते हैं वो बहुत ही लंबी स्पीच देते हैं और बताते हैं अबाउट द पॉलिसी ऑफ द स्कूल एंड द एम्स ऑफ द स्कूल और इस पे भी बहुत इम्फेसाइज़ करते हैं कि कैसे हर एक बच्चा कंट्रीब्यूट कर सकता है हर एक बच्चे का एफर्ट मायने रखता है टू अचीव दोज एम्स He gave praise wherever it was indicated, but insisted that there was yet a great deal to be done by themselves towards a general improvement in conduct, cleanliness, and the pursuit of knowledge. As I listened, I realized that this man was in no way remote from his school. His remarks all showed that he identified himself with it and everyone in it. He then wished them success with the council meeting and left the stage to tremendous applause things now moved quickly into gear first miss joseph stood up and gave a short explanation of the council's purpose and its activities each class would report through its representatives on the studies pursued during the half year which began after easter a representative having been chosen for each subject when all the classes had completed their reports, a panel of teachers would be invited to occupy the stage and answer questions from the body of the hall on matters arising out of the various reports. तो यहाँ पे राइटर बताते हैं कि मिस्टर फ्लोरियन ने एक बहुत अच्छी स्पीच दी और स्पीच में जहाँ पे भी उन्हें ज़रूरी लगा उन्होंने बच्चों की तारीफ की बट हर बार उन्होंने इस बात पे इंसिस्ट किया कि अभी उन्हें और भी अचीव करना बाकी है अपने आप को कंडक्ट क्लिनलीनेस और नॉलेज में और भी इम्प्रूव करना बाकी है राइटर कहते हैं कि जैसे ही मैं मिस्टर फ्लोरियन को सुन रहा था मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान कहीं से भी स्कूल से अपनी स्कूल से रिमोट नहीं है वो हमेशा अपने आप को स्कूल से आइडेंटिफाई करते हैं स्कूल से जुड़ा हुआ मानते हैं वो कम्प्लीटली स्कूल की बेटरमेंट के लिए डेडिकेटेड हैं आखिर में अपनी स्पीच ख़त्म करने के बाद उन्होंने काउंसिल मीटिंग के लिए सबको विश किया सक्सेस विश किया और फिर तालियों के बीच स्टेज से उतर आए अब चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी सबसे पहले मिस जोसफ खड़ी होती है और वो एक्सप्लेनेशन देती है छोटी सी अबाउट द काउंसिल पर्पस एंड एक्टिविटीज़ बताती है कि कैसे हर क्लास को अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हर सब्जेक्ट पे अपनी हाफ ईयर रिपोर्ट प्रेजेंट करना है जहाँ पे उन्हें ये बताना है कि पिछले हाफ ईयर में उन्होंने अभी तक इस सब्जेक्ट में क्या कुछ सीखा है सब Uh, सारी क्लासेस की रिपोर्ट खत्म होने के बाद एक uh, पैनल ऑफ टीचर्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें स्टेज पे इनवाइट किया जाएगा जो कि सारी रिपोर्ट्स से जो क्वेश्चंस uh, उभर के आते हैं जो इश्यूज उठते हैं उन सारे सवालों के वो जवाब देंगे द सेलेक्शन ऑफ द पैनल एज विथ एवरीथिंग एल्स वॉज एंटायरली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड नो मेंबर्स ऑफ द स्टाफ न्यू आई दर हाउ मैनी और विच टीचर्स वुड बी इन्वाइटेड टू सिट The reports began with the lowest or youngest class first. These were mainly 12 years old who had joined the school the previous summer. Most of them were shy and rather frightened at standing up before the entire school, but nevertheless they managed it creditably. They had been newly introduced to the difficulties of seeking information for themselves, so their report was understandably rather short. Class after class was represented. And it was obvious that with each succeeding term there was a marked development in their ability to express themselves. Much of the work was rather elementary, but to them it loomed large because they understood it and something of its relationship to themselves. सो so, ये जो टीचर की पैनल का सिलेक्शन था वो भी जैसी बाकी सारी चीज़ों की तरह बच्चों के ऊपर निर्भर था ये बच्चे खुद डिसाइड करते थे और कोई भी टीचर को नहीं पता था कि कौन सी टीचर या कितनी टीचर को इनवाइट किया जाएगा स्टेज पे बैठने के लिए और इन बच्चों के क्वेश्चन के आंसर करने के लिए तो रिपोर्ट स्टार्ट होती है सबसे पहले लोएस्ट और यंगेस्ट क्लास से जो कि ज़्यादातर 12 साल के बच्चे हैं स्टूडेंट है और उन्होंने इस स्कूल को पिछले ही समर में ज्वाइन किया है वो बहुत शाई और नर्वस दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उन्हें पूरी स्कूल के सामने खड़े होके जो कि उनके लिए बहुत नया है अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करना है और पिछले साल नया साल होने की वजह से उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई उन्हें उनके लिए सब कुछ नया था उन्हें एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट था इसीलिए उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो बहुत शॉर्ट थी फिर क्लास आफ्टर क्लास जैसे ही रिप्रेजेंट हो रही थी तो देखने में आता था कि कैसे जो क्लासेस के ग्रेड बढ़ रहे थे तो वो बच्चों के वो उन बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो बहुत उभर के आ रहा था कि कैसे जो उनकी एबिलिटी है टू एक्सप्रेस एंड प्रेजेंट तमसेल्स वो इम्प्रूव दिखाई दे रही थी ज़्यादातर जो उनकी रिपोर्ट्स थी वो एलिमेंट्री थी बट उन लोगों के लिए बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती है और ये बड़ी थी Throughout all the reports, the emphasis was on what they understood rather than on what they were expected to learn. When the turn of my class came, I sat up anxiously. From the list he held in his hand, Denham called out the names of the representatives together with the subjects on which they would report. They were like Potter, Arithmetic, Sapiano, Nature Study, Miss Peck, and Jackson. जोग्राफी मिस डेयर एंड फर्न मैन फिजियोलॉजी मिस डॉट हिस्ट्री डेनहम पी टी एंड गेम्स मिस जोजफ डोमेस्टिक साइंस सो सारी ही रिपोर्ट्स में बच्चों का इम्फेसिस इस चीज पे ज्यादा था कि उन्होंने क्या कुछ सीखा है राधर देन वॉट दे वर एक्सपेक्टेड टू लर्न जैसे ही मेरी क्लास की बारी आई मैं बहुत एंशियसली बेचैनी के साथ उठकर बैठ गया डेनहम जिनके जिसके हाथ में क्लास के बच्चों की लिस्ट थी वो उस लिस्ट में देकर बच्चों के नाम पुकार रहा था रिप्रेजेंटेटिव के नाम पुकार रहा था उनके सब्जेक्ट के साथ जिनपे ये बच्चे अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाले हैं आई फेल टेरिबली प्लेस्ड एंड प्राउड टू सी द कॉन्फिडेंट कर्ट सी विथ विच डेनहम यूज द टर्म मिस इन एड्रेसिंग ईच वन ऑफ द सीनियर गर्ल्स आई फेल श्योर दैट दिस वुड इन सेल्फ बी समिंग फॉर द यंग वू ए मैट अट ऑफ बैच ऑफ यंग एडल्ट हु As their names were called, they walked up to the stage and took their seats with commendable gravity. Miss Joseph then gave a short address. She said that their lessons had a particular bias towards the brotherhood of mankind and that they had been learning through each subject how all mankind was interdependent in spite of geographical location and differences in color, races, and creed. Then she called on Potter. मुझे ये देख के बहुत ही खुशी हुई और गर्व हुआ कि कैसे डेन हम सीनियर गर्ल्स को एड्रेस करते हुए मिस का टर्म यूज़ कर रहा था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं बहुत श्योर था कि छोटे बच्चों के सामने यंगर स्टूडेंट्स के सामने ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी ये उनके लिए एग्जाम्पल सेट होगा और वो इस ये देखकर ज़रूर इससे सीखेंगे और इट विल बी लाइक अ सॉर्ट ऑफ बैच ऑफ यंग एडल्टड फॉर देम जैसे ही बच्चों के नाम पुकारे जा रहे थे वो स्टेज पे आके अपनी सीट पे बहुत ही सीरियसनेस और कॉन्फिडेंस के साथ बैठ रहे थे फिर रिपोर्ट स्टार्ट होती है मिस जोसेफ के इंट्रोडक्शन से वो बताती हैं कि कैसे उनके सारे लेसन्स में एक बायस एक फोकस रहा है अबाउट द ब्रदरहुड ऑफ मैन काइंड कैसे हर सब्जेक्ट में उन्होंने ये चीज़ uh, सीखी है हर सब्जेक्ट से कि हम इंसान चाहे आपस में कितने भी अलग हों लेकिन हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं हम सब को एक दूसरे की ज़रूरत है उसके बाद उन्होंने पॉटर को इन्वाइट किया पॉटर वेंट ऑन टू स्पीक ऑफ द वर्क दे हैड डन ऑन वेज एंड मेशर्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द किलो ग्राम एंड द पाउन द मीटर एंड द फूड He said that throughout the world, one or other of those methods, those two methods, was either in use or understood, and that it was a symbol of the greater understanding which was being accomplished between people. Sapiano spoke of the study the class has made of pests, especially black rot on wheat, ball weevil on cotton, and the Colorado beetle on potatoes. He showed how many countries had pooled their knowledge and the results of research on the behavior, breeding habits, and migration of these pests, and were gradually reducing the threat they represented to these important products. सो so पॉटर ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की मैथ्स के सब्जेक्ट पे उन्होंने बताया कि कैसे उनकी क्लास ने स्टडी किए हैं डिफरेंट मेजर्स एंड वेज और उनकी रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन किलोग्राम एंड द पाउन बिटवीन द मीटर एंड द फूड और उन्होंने ये भी जाना है कि कैसे थ्रू आउट द वर्ल्ड इन में से uh, ए, uh, कोई uh, कोई ना कोई एक मेथड जो है uh, लोग प्रैक्टिस करते हैं यूज़ करते हैं और उसे समझते हैं जो जिससे हमें पता चलता है कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग जो कि हमने अचीव किया है हमारे बीच में सेपियान सेपियानो ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की नेचर स्टडी के ऊपर उन्होंने बताया कि कैसे उनकी क्लास ने स्टडी की थी पेस्ट्स के ऊपर स्पेशली ब्लैक रॉट ऑन वीट बॉल वीविल ऑन कॉटन एंड कोलोराडो बीटल ये सारे पेस्ट हैं जो ये इन सारी फसल को खराब करते हैं तो उनपे इनकी क्लास ने जो स्टडी की थी उनसे उन्हें पता चला कि कैसे अलग अलग देशों ने अपनी नॉलेज और आ, अलग अलग चीज़ों पे की गई अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स को शेयर किया है ताकि इस चीज़ को ये पेस्ट्स की प्रॉब्लम को हम मिलकर लड़ सकते हैं और ये जो, जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे व्हीट और कॉटन इनको हम बचा सकते हैं इस थ्रेट से Miss Peck and Jackson divided the report on geography between them. Jackson spoke first on the distribution of mineral deposits and vegetable produce over the earth's surface, how a country rich in one was often deficient in the other, and of the interchange. And interdependence, which inevitably followed. Miss Peck dealt with human relationships, stressing the problems facing the post war world for feeding, clothing, and housing its populations. She also made a reference to the thousands of refugees, stateless, and unwanted, and to the efforts and programs of UNICEF. Fernman, as usual, had a trump card up his sleeve. सिग्नल टू समन ऑफ स्टेज एंड वेल्स एनालाइज मिस दैम और जैक्सन ने मिल के जोग्राफी पे अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की सबसे पहले जैक्सन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की और उसने बताया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन अनइकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपोजिट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस कि कैसे ओवरऑल अर्थ के सरफेस पे Uh, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मिनरल बहुत अबंडेंस में है जिसकी भरमार है तो ऑफ़न उसके पास दूसरे काइंड ऑफ मिनरल या दूसरे वेजिटेबल की कमी है लैकिंग है जिसकी वजह से हम सब हम सारी कंट्रीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और ये सारी चीज़ें हम आपस में शेयर करते हैं और चेंज करते हैं मिस पेग ने आ, आ, रिपोर्ट प्रेजेंट की अपनी अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप उन्होंने स्ट्रेस किया स्पेसिफिकली अबाउट द प्रॉब्लम्स जो कि सोसाइटी उस वक्त उस टाइम पे फेस कर रही थी पोस्ट वॉर वर्ल्ड इस वर्ल्ड वॉर के बाद कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है देर आर सो मेनी पीपल जिनको आ, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है पहनने के लिए कपड़े नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है शी ऑल्सो टॉक अबाउट थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजीज ये वर्ल्ड वॉर का एक बहुत ही भयानक कॉन्सिक्वेंस था कि बहुत सारे लोग हजार लोग uh, बेघर जैसे हो गए थे उनकी कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं थी देवर कॉल्ड स्टेटलेस वर रेफ्यूजीज एंड देवर नॉट वॉन्टेड इन एनी वन ऑफ द कंट्रीज एंड शी ऑल्सो स्पोक अबाउट द प्रोग्राम्स ऑफ यूनिसेफ फिर बारी आती है फर्नमैन की और जैसे कि वो हमेशा उनके पास एक ट्रम कार्ड होता है ये एक फ्रेज़ है लर्नर्स हैविंग अ ट्रम कार्ड अप ही स्लीव मतलब आ, हमेशा वो फर्नमैन ऐसा कुछ करता है जो कि सरप्राइजिंग होता है और नया होता है सो so, जैसे ही उनकी बारी आई तो वो स्टेज पर आता है आ, वो आते हैं और किसी को आ, इशारा करते हैं ऑफ स्टेज पे और इशारा करने के बाद वेल्श एनालाइसन जो कि स्टूडेंट है अप, uh, साथ में हैंडल के साथ पकड़ के एक ह्यूमन स्केलेटन लेकर आते हैं स्टेज पे When this arrangement had been set up, there was the दिस hanging from a फ्रॉम screwed into the top द टॉप ऑफ gently स्कल जेंटली रिवॉल्विंग एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड दिस in the नेचर ऑफ कॉमिक रिलीफ एंड द स्कूल शोड इट्स अप्रूवल by लाफिंग uproariously. But levity soon evaporated when Fernman began to speak. His voice was clear and precise, and he had a strong sense of the dramatic. Calmly he told them that it was a female skeleton. That was a fact, and could easily be proved, but he could not say with any assurance whether she had been Chinese, or French, or German, or Greek, nor could he say if she had been brown, or white, or a mixture of both.

के ऊपर ये बिल्कुल घूम रहा था रिवॉल्व हो रहा था जेंटली तो ये जो सीन था स्टेज पे स्केलेटिन खड़ा हुआ होना वो पूरी ऑडियंस के लिए बहुत ही मज़ेदार था इट वॉज लाइक अ कॉमिक रिलीफ और सब लोग बहुत तालियां बजा रहे थे और बहुत जोर से हंस रहे थे सोन जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है जब लोगों की हंसी कम हो जाती है तब फर्न मैन अपनी स्पीच देना शुरू करते हैं वो बताते हैं कि ये जो स्केलेटिन है वो फीमेल स्केलेटिन है ये एक फैक्ट है और इसे प्रूव किया जा सकता है बट ये नहीं कहा जा सकता किसी भी भरोसे के साथ एश्योरेंस के साथ कि कि वो वुमन चाइनीज थी या वो फ्रेंच थी वो जर्मन थी या ग्रीक थी ना ही ये बता बताया जा सकता है कि उसका स्किन कलर क्या था ब्राउन था वाइट था या दोनों का मिक्सचर था वो कहते हैं कि इससे हमें पता चला हमारी क्लास ने ये कंक्लूड किया हमारी क्लास में हम सब ने ये सीखा कि बेसिकली हम सारे लोग एक ही हैं हम सारे लोग सेम हैं ट्रिमिंग्स डिफरेंट हो सकती है ट्रिमिंग का मतलब यहाँ पे इसका मतलब है बॉडीली फीचर्स तो जैसे कि हेयर नेल्स तो ये सारी चीज़ें अलग हो सकती है बट एक चीज़ ट्रू है कि हम सब एक ही हम सब की फाउंडेशन एक ही है और हम सब एक ही ब्लू से बनाए गए हैं फर्न की जो ये नॉवल तरीके की जो स्पीच थी और ये रिपोर्ट थी वो बहुत ही वंडरफुल थी और लोगों ने बहुत अच्छे से इसे रिसीव किया Miss Dare's contribution was something of an anti-climax after Fernman's performance, and she seemed to realize it. She spoke about the problems which all humanity has to face in terms of sickness and disease, and of the advantages gained by interchange of knowledge, advice, and assistance miss dodd reported on the period of history the class had studied the reformation in england. she told of the struggles of men of independent spirit against clerical domination and of their efforts to break from established religious traditions. from those early be beginnings gradually grew the idea of tolerance for the beliefs and cultures of others and the now common interest in trying to study and understand those cultures. मिस डेयर का जो कंट्रीब्यूशन था उनकी जो रिपोर्ट थी वो थोड़ी सी एंटी क्लाइमेक्स थी क्योंकि फर्मिन कितनी धमाकेदार परफॉर्मेंस रही थी तो उनकी जो स्पीच थी वो थोड़ी सी डल हो गई थी बट uh, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करके भी कॉन्फिडेंटली अपनी स्पीच को कंटिन्यू किया शी स्पोक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी कि कैसे हम सबको ये सारी जो प्रॉब्लम्स है अबाउट सिकनेस एंड डिजीज को झेलना पड़ता है और ये uh, कितना आसान हो गया है इस चीज़ को डील uh, कर पाना नाउ विद द एडवांटेज ज गेंड बाई इंटरचेंज ऑफ नॉलेज कैसे हम एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके हेल्प करके एडवाइस दे के uh, इन सारी चीज़ों से लड़ सकते हैं मिस डॉड ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की अबाउट द पीरियड ऑफ हिस्ट्री जो कि उन्होंने उनकी क्लास ने पढ़ी है रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड जहाँ पे उन्होंने बताया अबाउट द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट मैन ऑफ इंडिपेंडेंस पीरियड ऐसे लोग जो हमेशा इंडिपेंडेंस में बिलीव करते थे फ्रीडम में बिलीव करते थे एंड दे वर अगेंस्ट क्लारिकल डोमिनेशन एंड कैसे उनके एफर्ट से ही ये जो चीज़ है इंडिपेंडेंस वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम स्टार्ट हुई है वहीं से हमें ये आइडिया ऑफ टॉलरेंस मिला है और ग्रो हुआ है एंड नाउ वी हैव दिस कॉमन इंटरेस्ट के वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंट कल्चर्स एंड हैव रिस्पेक्ट फॉर देम डेनहम्स रिपोर्ट वॉज अ बिट ऑफ अ शॉक he severely criticized the general pattern of ptn games emphasizing the serious limitations of space obtaining and the effect of that limitation on their games activities he complained that the pt was ill conceived and pointless and the routine monotonous he could see no advantage in doing it a jolly good game was far better apparently he was voicing the opinions of all the boys for they cheered him loudly when the reports were over denham called two children at random from the audience and asked them to write the name of each teacher, including the head, on a slip of paper. These slips were folded and placed in a hat, juggled vigorously, and then withdrawn one by one, the names were called. डेनहम की जो रिपोर्ट थी पीटी पे वो बहुत ही शॉकिंग थी क्योंकि उन्होंने बहुत सीवियरली क्रिटिसाइज किया जो पीटी का पैटर्न पीटी और गेम्स का पैटर्न है स्कूल में उनके हिसाब से ये जो पैटर्न है उसमें बहुत सारी कमियां हैं बहुत सारी लिमिटेशंस है स्पेस का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो पीटी है वो बिल्कुल भी यूजलेस है और पॉइंटलेस है ये जो रूटू रूटीन एक्सरसाइज है वो बहुत ही मोनिटरस और बोरिंग हो जाती है और उनके हिसाब से इसमें कोई भी एडवांटेज नहीं है स्टूडेंट्स के लिए वो कहते हैं कि पेटी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज की बजाय एक चेयरफुल जॉली यानी चेयरफुल गेम खिलाना ज़्यादा बेहतर है और उनकी इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत सारे बॉयज सारे बॉयज़ बहुत लाउडली चेयर कर रहे थे इससे पता चल रहा था कि वो सारे बॉयज़ के के ही ओपिनियन को आवाज़ दे रहे हैं जब उनकी रिपोर्ट खत्म हो जाती है तो डेन रैंडमली ऑडियंस में से दो स्टूडेंट्स को स्टेज पे बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो कोई भी टीचर इंक्लूडिंग द हेड मास्टर का नाम लिख कर स्लिप स्लिप ऑफ पेपर पे लिख कर हैट में डाल दें जब बच्चे ये चीज कर लेते हैं तो उस हैट को रिकली बहुत जोर से जगल किया जाता है शेकिन किया जाता है और फिर उसमें से चिट्ठियाँ, स्लिप ऑफ पेपर निकाली जाती है और जो टीचर्स के नाम सिलेक्ट हुए हैं उन्हें पुकारा जाता है अदर्स ऑफ द स्टेट एंड and tidy between the two women then द the questioning began i believe i would have gone a long way to see what followed it was an experience which i shall not easily forget The questions were mostly from the two top classes, probably because the young children were either too timid or too uninformed to formulate their questions. The teachers had no briefing and were often caught out stammering in their indecision. But here again, I received a big surprise. The frilly, seemingly brainless Miss Euphemia Phillips proved to be the coolest and the best informed of the three. She dealt with questions put to her with candor and authority and would often intervene skillfully to assist one of the others without causing embarrassment. The teachers selected as a panel They were Mr. Weston, Mrs. Dale Evans and Miss Phillips. डेज जोसेफ एंड डेनहम ने बाकी सारे स्टूडेंट्स को स्टेज से नीचे उतारा और अब इन टीचर्स ने स्टेज पे अपनी सीट्स पे बैठ गए अब इसके साथ अभी इसी के साथ सवालों की शुरुआत होती है राइटर कहते हैं कि यहां पे भी उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिला जो चीज अ, हुई इस चीज के बाद क्वेश्चनिंग के बाद वो मैं कभी नहीं भूलूंगा सारे जो सवाल थे वो टॉप टू क्लासेस के ही स्टूडेंट्स पूछ रहे थे क्योंकि शायद यंग जो चिल्ड्रन थे वो या तो फिर बहुत ही शायद थे या फिर दे वर नॉट एबल इनफ कि वो अपने क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम कर पाए इन टीचर्स को कोई भी ब्रीफिंग नहीं मिली थी कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं था उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं So, इसी की वजह से उनमें से जो टीचर्स थे वो बहुत स्टैमर कर रहे थे बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे थे वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे बट यहाँ पे भी बहुत बड़ा सरप्राइज ये मिला कि मिस फिलिप्स जिसे फ्रीली समझा जाता था जिसे अन इंटेलिजेंट और शोई समझा जाता जा था वहाँ पे स्टेज पे पता चला इस ओकेजन पे पता चला कि वो कोलिस्ट और बेस्ट इन्फॉर्म्ड है बाकी दोनों से उनको जिस तरह के सवाल पूछे गए उनको उन्होंने बहुत अच्छे से और अथॉरिटी के साथ अपने सवालों के जवाब दिए और साथ ही जब दूसरी टीचर्स सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे तो वो उनकी हेल्प के लिए भी आती बिना उन्हें एम्बेस किए वेस्टर्न कट अ वेरी रिडिक्युलस फिगर इन द फेस ऑफ डें ब्लॉन्ड क्रिटिसिजम एंड फर्नमेंस एड्रॉइड क्वेश्चनिंग ही फाउंड हिमसेल्फ कंप्लीटली नॉन प्लस्ट एंड ट्राइड टू ब्लस्ट हिज वे आउट विद अ शो ऑफ अफेंडेड डिग्निटी He could not effectively support the PT exercises for which he was partly responsible, as having any definite physical advantage. Denham was a trained boxer and insisted that such exercises were only advantageous if practiced daily and for more sustained periods. PT twice weekly for 20 minutes was a waste of time, he, ass he asserted. Once again, Miss Phillips took the reins, and her stock promptly shot up hundredfold. She reminded the school that every subject, including PT and games, had been carefully considered and fitted into the teaching timetable so that each student received maximum benefit from it. वेस्टर्न जो कि टीचर हैं वो बिल्कुल भी अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे डनहम के बोल्ड क्रिटिसिज्म के सामने और फर्नमेन की क्लेवर क्वेश्चनिंग के सामने वो अपने आप को बहुत ही कंफ्यूज पा रहे थे लॉस्ट पा रहे थे और किसी तरह से इस आर्ग्यूमेंट से बच के निकलने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं से भी पी की एक्सरसाइजिज़स को इफ़ेक्टिवली सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे और सेंसिबल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे इन बच्चों के क्रिटिसिज्म के आगे डेनहम uh, एक ट्रेंड बॉक्सर है और उसे लगता है कि uh, ये जो पीटी एक्सरसाइजेस है वो एडवांटेजेस या यूज़फुल तभी होती है अगर उसे डेली कराया जाए और ज़्यादा समय के लिए किया जाए जबकि पीटी का ये पैटर्न है स्कूल में कि उसे वीक uh, में दो बार हफ्ते में दो बार और सिर्फ ट्वेंटी मिनट्स के लिए कराया जाता है जो कि डेनहम uh, के हिसाब से बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम है और इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है बट यहाँ पे भी मिस फ़िलिप ने सबको सरप्राइज किया उन्होंने जब देखा कि आ, आ, मिस्टर वेस्टन इसको ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उन्होंने इस डिस्कशन की बागदौड़ अपने हाथ में ली और उन्होंने जवाब देना स्टार्ट किया उन्होंने कहा कि आ, स्कूल में हर कोई सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट को पीटी और गेम्स को इंक्लूड करके आ, इस तरह से फिट किया गया है केयरफुली सोच समझ के इस तरह से टाइम टेबल में बिठाया गया है कि हर स्टूडेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले The school with its limited facilities, must be considered in terms of the greatest good for the greatest number, and it would be beyond anyone’s power to please everybody. Some of you, she concluded, fixing Denham with innocent eyes, are fortunate in your own fine physical development and do not really need the few meager helpings of PTN games which this school can offer. Try to remember that there are others for whom our program is ideally suited. It may be that some of you older boys might even be able to help in that respect. Danham was not to be put off by these sugary remarks and rose in reply. Then why do we have to do PT? Why don't they take only the kids who need it? The rest of us can have a game of football or something instead of doing a lot of daft things that's no good to us. This was a poser, but she came right back at him, her baby blue eyes twinkling in her delight at this crossing of stars. फिर कंटिन्यू कंटिन्यू करते हुए मिस फ़िलिप्स कहती हैं कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज और फंड होने के बावजूद स्कूल इस बात को ध्यान में रखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सके तो इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए और आप में से कुछ लोग ये कहते हुए वो डेंडम की तरफ इनोसेंटली देखती हैं और कहती हैं कि आप में से कुछ लोग बहुत ही फॉर्चुनेट है खुशकिस्मत है कि आप लोग की फ़िज़िकल डेवलपमेंट बहुत अच्छी है और आप लोगों को शायद पी और गेम्स जो ये स्कूल ऑफर करता है उनकी ये छोटी सी हेल्प की ज़रूरत नहीं है बट आपको ये समझना चाहिए कि ये जो पी और गेम्स का सिस्टम है पैटर्न है वो बाकी सारे बहुत सारे दूसरे बच्चों छोटे बच्चों के लिए बहुत ही आइडियली सूटेबल है और आप बड़े बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो डेनहम भी बहुत आसानी से हार मानने वाला नहीं था वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम बड़े बच्चों से बड़े लड़कों से ये पीटी क्यों कराई जाती है क्यों सिर्फ ये छोटे बच्चों को पीटी नहीं कराई जाती और इसके बजाय हम बड़े बच्चे फुटबॉल का कोई गेम वगैरह खेल सकते हैं बजाय इसके कि हम ये डाफ्ट यानि कि यूज़लेस एक्सरसाइज करें जो कि हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है अब ये जो क्वेश्चन था वो बहुत ही पोज़र था पोजर यानि कि बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बट पज़ल यानी कि पज़ल पर यहाँ पे भी uh, मिस फिलिप्स uh, हार नहीं मानती है और वापस से डेनहम uh, को जवाब देती हैं Let's say it as much an exercise of the mind as it is of the body, Denham. The whole timetable in this school is meant to help you in the world after you leave here, and doing what you are told, in spite of not liking it, is a part of the training. I feel you, sh I feel sure that you will see the point in that. That stopped him, Poor Denham knew that he had been outwitted, but he could do nothing about it and sat looking rather rueful while Miss Phillips' smile broadened. This frilly, innocent looking puss had gobbled her canary without leaving the tiniest feather. I began to understand how it was that so slight a creature could cope so effectively with her class. Soon after this, as the morning ended, the head went on to the stage and closed the proceedings, expressing his pride in all the children and his deep appreciation of their efforts. सो so, इसका जवाब देते हुए मिस फिलिप्स कहती हैं कि आ, इस तरह से हमें देखना चाहिए कि ये बॉडी की नहीं बल्कि माइंड की एक्सरसाइज़ है क्योंकि स्कूल का जो टाइम टेबल है वो आपको ना सिर्फ़ इस दुनिया बल्कि इस दुनिया के बाद जो आने वाली दुनिया है उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करता है और जो चीज़ आपको नहीं पसंद है वो चीज़ करना भी एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है ये एक माइंड ट्रेनिंग है और मैं समझती हूँ मैं मुझे भरोसा है कि आप इस चीज़ को समझ सकते हो इस चीज़ के बाद डेनम कुछ नहीं कर सका वो कुछ नहीं कह सका उसे पता चल गया था कि अब इस चीज़ का उसके पास कोई जवाब नहीं है तो वो बहुत अच्छे से अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और शांत हो जाता है मिस फिलिप्स की स्माइल इसके बाद बहुत गहरी हो जाती है और राइटर यहाँ पे कहते हैं कि अब समझ में आया इस इंसिडेंट के बाद समझ में आया कि कैसे जो बहुत इनोसेंट लगती हैं बहुत ही फ्रीली और जिन्हें बहुत पहले आ, आ, इन अन इंटेलिजेंट और ब्रेनलेस समझा जाता था मिस फ़िलिप्स ये आ, प्रूफ देखने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ अब उन्हें समझ में आया कि कैसे वो अपनी क्लास को बहुत इफ़ेक्टिवली संभालती होंगी इस तरह से जो मॉर्निंग है वो ख़त्म हो जाती है और मिस्टर फ्लोरियन स्टेज पे जाके मीटिंग uh, को कंक्लूड करते हैं अपना गर्व एक्सप्रेस करते हैं प्राइड एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे उन्हें सब पे गर्व है और उन बच्चों के हर एफर्ट्स को डीपली अप्रिशिएट करते हैं सो दिस वॉज द चैप्टर फोर पॉइंट टू टू सर्व विद लव हमने इस पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ लिया है आई एम श्योर वी हैव कवर्ड एवरी थिंग आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड एवरी थिंग एंड यू हैव नो डाउट I hope you enjoyed learning with me. If you did, give this video a thumbs up, share among your friends, and subscribe to the channel. Thank you very much.